सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीएससी सेकंड ईयर में 2019 में पेपर हुआ था, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये हालांकि बीए, बीकॉम, बीएससी सभी में है, रेगुलर में, प्राइवेट में नहीं होता ये पेपर। तो जो बीए वाले बच्चे हों, बीकॉम वाले बच्चे हों, वो भी देखिएगा, क्योंकि सिलेबस सेम होता है बट बुकलेट जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये एक ही दिन पेपर नहीं होता, ये अलग अलग पेपर होता है। तो बीए बीकॉम वाले बीएससी का पेपर देखें, बीएससी बीकॉम वाले बीए का भी पेपर देखें, और बीए वाले बीकॉम बीएससी का भी पेपर देखें। फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट आती रहती है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, या मैं भी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर अपलोड करता रहता हूं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो इस पेपर पे मैंने टिक लगा दिए हैं, रात को मैंने लाइव क्लासेस ली थी, आज रात को फिर लाइव क्लासेस लूँगा 9 बजे के आसपास, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें मैंने टिक लगा दिए हैं, और जो रात को लाइव क्लासेस लूँगा स्पोर्ट्स वाले की या जनरल अवेयरनेस वाले पेपर की, तो उसमें टिक जो है वो नहीं लगे होंगे, ठीक है, वो मैं साथ के साथ आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दी फिफ्थ स्टेप ऑफ अष्टांगना योगा। ठीक है, जो होता है वो प्रत्याहार होता है, जो इसका जो है फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। सेकेंड, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज, तो उसे हम कहते हैं स्टेप्स, जो स्मॉलेस्ट बहुत ही जो बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्टेप्स, और जो लार्जेस्ट बोन होती है वो होती है फीमर। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कई बारी आए हुए हैं एग्जाम में। नंबर थर्ड इज यूज इन संस्कृत मीन्स, तो वो होता है एडिंग। नंबर फोर्थ, योगासन इज नॉट अलाउड टू बी परफॉर्म्ड बाय, देखिए जो भी कोई सीरियस सिक मैन होता है, यानी कोई ज़्यादा बीमार कोई भी पर्सन होता है, तो उसको जो है ये एडवाइस नहीं दी जाती है कि वो जो है योगासन करे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने टिक स्टूडेंट इसलिए लगा दिए ताकि एग्जाम्स के दिनों में जब आप रिवाइज करें तो आपका रिवीजन भी जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि लाइव क्लासेज में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, वो एक घंटे की भी वीडियो 45 मिनट की वीडियो बन जाती है, जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो हार्डली 20-22 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है। आप 30 रुपीज़ दे के 30 रुपये दे करके मुझसे 500 क्वेश्चंस जो हैं वो आप ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक है वो मैंने तैयार कर रखा है। तो केवल 30 रुपये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है मोबाइल नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप डिपॉजिट करा के सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ठीक है, तो आपको मीडियम मेंशन करेगा तो आपको 500-600 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नी कार्टिलेज इंजरी इज रिलेटेड टू, तो ये होती है हमारी फुटबॉल से। दी लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, देखिए फुल नेम होता है आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल्स और दूसरी होती है WBC जिसका फुल नेम होता है वाइट ब्लड सेल्स, तो ध्यान रखेंगे दो टाइप की होती हैं। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। 7, हार्ट मसल्स आर, हार्ट मसल्स आर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनवॉलेंट्री। नंबर 8, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पिट यूटेरी ग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी जो मेजर्ड करते हैं हम वो गोइनोमीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दी सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर आर, देखिए उसे हम कहते हैं फैटी ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, तो फैटी यानी कि थकावट होने लगती है अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें जो सोडियम होता है, नमक होता है, उसकी मात्रा को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो नमक की मात्रा को जो है बहुत कम कर देना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको नमक छोड़ देना चाहिए। 12, इन दी फॉलोइंग विच वन इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, फैमिली,
इन इंडिया विच डे इज नोन एज खेल दिवस? तो 29th अगस्त है ना, उसको हम खेल दिवस के रूप में जानते हैं हम इंडिया में। द वर्ड फैमिली इज डाइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये ऑप्शन ए फैमिलस, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 15, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, इट इज, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जो हमारी फैमिली है वो फर्स्ट यूनिट होती है सोसाइटी की। 16, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल टीम? 12, हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले इन कबड्डी टीम? 7, वॉट इज द लेंथ ऑफ रेस ऑफ मैराथन? 42.195 किलोमीटर। हु एनक्रेज फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट इन इंडिया? YMCA। देखिए जो YMCA है, ये एक मैंने कल भी क्वेश्चन में ये कराया था, जो क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी मीडियम में कराया था रात को, तो YMCA एक्चुअली एक फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में है, ठीक है, और ये जो है ये चेन्नई में है एट प्रेजेंट टाइम। YMCA फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है। हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले इन अ खो खो टीम? 9, द साइंस रिलेटेड विद ह्यूमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनाटॉमी। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज, तो डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वो कोई भी नहीं है, 10 खरब भी नहीं है, 10 की पावर 14 भी नहीं है, है ना, तो ध्यान रखेंगे, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ वेट ट्रेनिंग? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रेडरिक याहान। वेट ऑफ लिवर ऑफ अ अडल्ट मैन इज 1.5 kg। ब्लड इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्लड इज यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसे शॉर्ट में LCT बोला जाता है, तो फुल नेम होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। 26, एंटीना इज एसोसिएटेड विद विच गेम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एंटीना जो होता है वो आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में, या आप खेलते भी होंगे अगर, तो वॉलीबॉल में होता है। फादर ऑफ योगा इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, महर्षि पतंजलि। हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन डेकैथलन इवेंट इन एथलेटिक्स? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10। क्वेश्चन नंबर 29, अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ दीज? तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, आप जानते ही होंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स कोच। जो द्रोणाचार्य अवार्ड स्टूडेंट्स दिया जाता है वो कोच को दिया जाता है, वो या ट्रेनर्स वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उनको दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, वो कभी भी जो है प्लेयर्स को नहीं दिया जाता। द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइल जूस इज सीक्रेट फ्रॉम, वो है आपका लिवर। गॉड फादर ऑफ जिम्नास्टिक इज, BFL Jehan। इन विच पीरियड योगा इज नोन एज योगभास्था? ऑप्शन ए वैदिक पीरियड। टिश्यू इंजरीज आर, ठीक है, टिश्यू इंजरीज जो होती है तीनों से रिलेटेड होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, तीनों इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन इज, अब स्ट्रेन के सिम्टम्स जो हैं वो तीनों हो सकते हैं, वो स्पैस्म भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और पेन भी हो सकता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 37, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस इज, इसमें भी डी राइट आंसर है आपका, ऑल ऑफ द अबव मींस लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, अनएडिक्वेट फीडिंग और लैक ऑफ साउंड स्लीप एंड रेस्ट, तो ये तीनों रीजंस आपके हो सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर इज, देखिए
अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारे जो है मसल्स में पेन्स हो सकता है ना। पोस्चर हमारा सोते हुए भी सही होना चाहिए, बैठे हुए भी सही होना चाहिए। जिस समय हम कोई व्हीकल चला रखे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल, तब भी हमारा पोस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर पूछ रहा है। ये जो मैंने पोस्चर आपको बताया वो पेन से रिलेटेड बताया कि हम झुक के ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारे पीठ में दर्द हो सकता है, ठीक है। गलत तरीके से सोते हैं या झटका दे करके हम सो के उठते हैं तो हमारी पीठ में पेन हो सकता है या टांगों में पेन हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी तीनों इसमें रीज़न है कि हाइजीन वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखेंगे डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 39, सिस्मॉइड बोन्स आर फाउंडेड इन, तो ये एंकल और रिस्ट ये दोनों में होती है, तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। फंक्शन ऑफ ब्लड इज, तो तीनों फंक्शंस हैं ब्लड के, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ब्लड क्लोथिंग और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले इन अ हॉकी टीम, सी 11। द फादर ऑफ जूडो इज, जिंगारो कैनो। द वर्ड पंच इज यूज्ड इन विच गेम, तो ये बॉक्सिंग में हम यूज करते हैं पंच। 44, इन विच गेम रोटेशन ऑफ प्लेयर इज डन, वॉलीबॉल। लिब्रो इज एसोसिएटेड विद विच गेम, वॉलीबॉल। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेपल चेज रेस इन एथलेटिक्स, 3000 meters। When was the modern Olympic Games started? 1896. Firoz Shah Kotla Ground is situated in. Option A, New Delhi. Who is known as Flying Sikh? Most important question. देखिए मिल्खा सिंह को जो है Flying Sikh भी कहा जाता है, ठीक है। Antenna is used in which game? Repeat हो गया, अभी आया था ये question, तो volleyball में antenna repeat होता है। What is strain? देखिए टीयर भी हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। द यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बी सेल। सेल कंटेन्स, देखिए सेल कंटेन्स में तीनों आपके ऑप्शन आते हैं, मेम्ब्रेन भी आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज नोन एज शूकू एंड शॉकर, ये जो आपके हैं कुछ नेम है, तो ये फुटबॉल में आपके यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच गेम हैज द मैक्सिमम हिडन इंजरी, ठीक है। देखिए इंजरी सभी गेम्स में होती है, लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग, फुटबॉल और कबड्डी ये तीनों गेम ऐसे दिए हैं तो इसमें मैक्सिमम हिडन इंजरी होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। प्रोफ्यूस ब्लीडिंग इज चेक्ड बाय, तो सी इज द राइट आंसर। इन विच पीरियड इन इंडिया वॉज द प्रैक्टिस ऑफ योगा अलॉन्ग विद एक्सरसाइज कंसिडर्ड एज रिलीजियस ड्यूटी, तो ए इज राइट आंसर, वैदिक पीरियड। हु डिफाइंड सोशियोलॉजी एज, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। देखिए यहाँ पे अब इन्होंने विद्वान का नाम पूछा है, तो जो विद्वान है तो उसमें ए राइट आंसर है, गिस्पर्ट। ट्रीटमेंट ऑफ हर्ब्स इज नॉन एज, ठीक है, आयुर्वेदिक। आयुर्वेद में जितनी भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब अधिकतर ट्रीटमेंट जो हर्ब से दिया जाता है, एलोपैथिक में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखेंगे। स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट्स, देखिए स्केलेटन सिस्टम जो है वो लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, तो हम कहते हैं डिस्टोल, जिसका जो है ब्लड प्रेशर जो है लो होता है तो उसको हम डिस्टोल बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आ, तो देखिए तीनों ऑप्शन इसमें राइट हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन वन स्ट्रोक
वॉल्यूम इज 70 ml, रिलैक्सेटिव आसन्स आर, ठीक है, दोनों ऑप्शन है इसमें, जो शवासनासन होता है और मकरासन आसन जो होता है, दोनों इसमें सही है, तो सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। एफ आई एन ए इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है। मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों से रिलेटेड है, तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ब्लड प्रेशर इज मेजरमेंट बाय, देखिए ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो स्फाइगनोमैनोमीटर से होता है। 69, विच मसल्स इज कॉल्ड थ्रोअर मसल्स, तो सी जो है इसमें राइट आंसर है आपका, पेट्रोलाइजर मेजर। इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट सोशल इंस्टीट्यूशन, देखिए नोट आपसे वर्ड पूछा है यहाँ पर, तो सोशल इंस्टीट्यूशन आपसे पूछो, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, है ना, नोट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। द वेट ऑफ हार्ट इज न्यूली बॉर्न बेबी, देखिए मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, यानी जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो हार्ट का वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है, ठीक है, ठीक है, और जो एक बड़ा पर्सन होता है, एडल्ट पर्सन होता है, उसके हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कल भी मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था हिंदी मीडियम में, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए थे। नंबर ऑफ पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज 4, डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय, तो ये होती है पैनक्रियाज से रिलेटेड, जिसको शुगर की या डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो पैनक्रियाज जो है वो इसका मेन रीज़न होता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.0 mts। चलिए नेक्स्ट है आपका 75, विच टाइप ऑफ योगा इज एम्फेसाइज्ड इन भगवद गीता, तो वो है आपका कर्म योगा। मेन एम ऑफ योगा इज, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तीनों ही जो होते हैं वो एम होते हैं योगा के, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ नेशनल ट्रेड्स आर प्रमोटेड बाय स्पोर्ट्स, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, फ्रेंडशिप, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी मसल्स आर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 650, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 650 मसल्स होती हैं वो एक ह्यूमन बॉडी में होती हैं। दी ओबेसिटी इन बॉडी इज मेजरमेंट बाय, तो ये होता है हमारा स्किन फोल्ड मीटर, ठीक है, स्किन फोल्ड मीटर। इंडियन रेड क्रॉस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1920। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज ए, देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, बोथ ए एंड बी। स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट इज, यूपी गवर्नमेंट जो होती है वो लक्ष्मण अवार्ड देती है, ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स में, क्वेश्चन कम पूछा गया है ये, बस इसको याद रखिएगा क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है और हम यूपी में पढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ सेल्स इज, तीनों फंक्शंस होते हैं, देखिए कंडक्शन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और सिक्रेशन भी होता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सो ये हमारा सी राइट आंसर है, फिजियोलॉजी। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.3 to 7.5 होती है। सोशल इंस्टीट्यूशन साथ, देखिए फैमिली, स्कूल्स और रिलीजन जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं, तो डी इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये है आपका ऑगस्ट कॉम्प्टे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिस्टम कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। इन विच पोस्चर आसन्स आर परफॉर्म, देखिए सिटिंग में भी आसन हो सकता है, स्टैंडिंग
परफॉर्मेंस पोस्चर में भी हो सकता है, सिटिंग पोस्चर में भी हो सकता है और लेइंग पोस्चर में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो आसन है वो तीनों ही पोस्चर में हो सकते हैं। विच इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, तो एरोबिक डांस भी हो सकता है, रस्सी जंपिंग भी हो सकती है और स्विमिंग भी हो सकती है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ इज, ठीक है, एनवायरमेंट, हेरिडिटी और लिविंग स्टेटस, ये तीनों हो सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज मेजर्ड बाय, ये है हमारी स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 93, वेयर शुड बी कीप्ड द फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, प्लेग्राउंड में भी होना चाहिए, फैक्ट्री में भी होना चाहिए और जिमनेजियम में भी, हॉल में भी होना चाहिए, है ना। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट परसेंटेज टू फैट डू वुमेन कैरी, तो ये होना चाहिए आपकी 25 to 30%। 95, द साउंड एल यू बी एंड टी यू बी इज फाउंडेड इन, तो वो होती है हमारी हार्ट साउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द गेस्टर ऑफ बोन डिप्लेसमेंट, तो तीनों ऑप्शन जो हैं कि डिफॉर्मिटी भी होता है, अनबियरेबल पेन भी हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकती है। तो डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्पोर्ट्स, तो नेचुरल भी हो सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकता है और प्लेजर गिविंग भी हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, देखिए कहीं कहीं पर ये 70% भी दिया हो सकता है और कहीं कहीं पर ये 75% भी दिया हो सकता है। जो रात मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तो वो भी 2019 का था, तो उसमें 70% ऑप्शन में दे रखा, लेकिन 70 से कम नहीं होगा, तो 70 या 75% ही आपको दिया होगा। द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी इज मतलब ऑप्शन बी, मल्टी सेलुलर। और लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मसल्स द हार्ट इज मेड, तो इसका आंसर आपका कार्डियक, ठीक है। तो ये आपका जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आंसर की प्रोवाइड कराई थी, देखिए लास्ट में ये दे रखी है मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है ये मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड इसलिए हाई रखता हूँ स्टूडेंट्स की निशान लगे हुए क्वेश्चन पे, कि आपका रिवीजन जो है वो देखिए लगभग 22-23 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो 22-23 मिनट की वीडियो में जो है आपका रिवीजन भी हो जाए। और बस अगर आप प्लेलिस्ट भी मेरी देख लेते हैं, अगर आप 500-600 क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बुक्स की स्टडी करना छोड़ें, बुक्स जो है आप स्टडी ज़रूर करें, अगर आपको बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लगभग इस समय जो है 61 या 62 के आसपास की जो वीडियो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरी प्लेलिस्ट में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।